नमस्ते प्राइसकम फैमिली। इस बार वीडियो जो है ना बहुत खास होने वाली है, और जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि सरप्लस की पूरी रियलिटी कि ये कैसे आता है, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक चलता है, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। प्रोडक्ट्स तो एज यूजुअल सभी वीडियोज में हम दिखाते ही हैं, लेकिन इस बार ज़रूरी इसलिए समझा इसके बारे में डिटेल में बात करने का, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जो कॉल पे भी कुछ कस्टमर्स या फिर जो विजिट करते हैं वो भी, उनमें बहुत ज़्यादा डाउट है। अभी कुछ दिन पहले ही एक कस्टमर आए हमारे पास, और वो मतलब कैजुअल ऐसे ही वॉक इन था। उन्होंने ये बोला कि जब उनको ये हमने बोला कि ये सरप्लस का है, तो उनके मुँह से सीधे ही बोलते हैं कि ये तो यूज्ड वाले होते हैं प्रोडक्ट। एंड रियली आई वॉज शॉक्ड कि यार मतलब क्या क्या दिमाग में भरा हुआ है। और उन्होंने, चलो वो तो मेरे से बोला, मुझे इसके बारे में पता है, मैंने उनको क्लियर किया, उन्होंने शॉपिंग भी की, लेके गए, ही वॉज वेरी हैप्पी। बट जब उन्होंने मतलब ये सोच के देखिए कि उन्होंने कितने लोगों को ये चीज बोली होगी, और उनके माइंड में क्या इसके लिए इमेज आया होगा कि सरप्लस का मतलब क्या यूज्ड प्रोडक्ट होते हैं, सरप्लस का मतलब क्या रिजेक्टेड होता है, हर चीज एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इवन अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग जो है जेन्युइन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, 101% ओरिजिनल गारंटेड चीज़ें होती हैं, और फ्री शिपिंग होती है, पैन इंडिया हमारी सर्विसेज अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी में नहीं डील करते हम लोग, प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हैं, बाकी जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको सब चीज़ें पता है इसके बारे में। तो अभी फिलहाल मैं आपको सरप्लस के बारे में एक बार डिटेल में हम लोग बात कर लेंगे कि ये प्रोसेस क्या होता है, क्यों। जैसे किसी का फीडबैक था, मैं ये देख रहा था, मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और मैंने ये सोचा था कि ये वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को लेके चलेंगे कि एक बार हमारी ड्यूटी भी बनती है, क्योंकि हम जो चीज़ डील कर रहे हैं, जिस चीज़ में हम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं चीज़ों को, तो आप लोगों को या फिर जो लोग नया हमसे जुड़ रहे हैं उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वो प्रोसेस क्या है, ताकि उनको अगर कोई इस तरह की बातें बोलता है कि ये यूज्ड होता है या ऐसा होता है, तो वो उसको करेक्ट कर सके। तो जो भी जानकारी, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं, तो मतलब है, हमें नॉलेज है इसके बारे में, तो वो ज़रूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसका एक्चुअल में प्रोसेस होता ये है कि अभी किसी ने मेरे को ये भी बोला कि मतलब एक कार्गो लेने के लिए आए थे। अब कार्गो, वो ऑनलाइन कार्गो जो एक्चुअल प्राइस था उसका शोरूम में, वो था अराउंड 3,500 का। हम लोग का कार्गो 1,300 में देते हैं हम लोग। तो उन्होंने बोला कि यार इतना एहसान क्यों या इतना डिस्काउंट क्यों भाई। तो उसके पीछे भी लॉजिक है, वो भी क्लियर हो जाएगा आप लोग के जो भी पॉइंट्स रहते हैं ना। सपोज प्राइसकम एक ब्रांड है जिसके पैन इंडिया कई सारे ब्रांचेज हैं और बाहर भी है, इंडिया से बाहर, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और प्राइसकम ने एक कार्गो के लिए ऑर्डर दिया, हमें कार्गो चाहिए। आज की डेट में हमने एक फैब्रिकेशन जो मिल होती है, आनंद मिल करके एक कंपनी है, उसको उन्होंने 500 पीस या 5,000 पीस का ऑर्डर दे दिया कि 5,000 पीस कार्गो के हमें चाहिए। आज की डेट में दिया ऑर्डर, और उन्होंने नेक्स्ट मंथ 17 मई का डेट दे दिया कि इस डेट को मुझे 5,000 पीस कार्गो के चाहिए, और ऑन पेपर, ये सारी चीज़ें ऑन पेपर होती हैं। तो जिस मिल को उन्होंने ऑर्डर दिया है, उस वो मिल भी बड़ी मिल है, वो सिर्फ प्राइसकम के लिए नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम करती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि 5,000 पीस का ऑर्डर है उनके पास, तो उन्होंने ऑर्डर डील हो गया, फाइनल हो गया, सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को ये बोला कि आप 2-5% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करो। समझना मेरे पॉइंट को, आप 5,000 पीस का ऑर्डर है, आप 5,500 पीस ऑर्डर आप बनाओ, और जब वो 17 मई का जब डेट आएगा, तो उन लोगों का क्या होता है, क्यूसी डिपार्टमेंट एक होता है जिसको क्वालिटी चेकिंग बोलते हैं। क्यूसी वाले क्या करते हैं, वन बाय वन हर पीस को, वो बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो फटाफट वो लोग 5,000 पीस को क्या करते हैं, वो अलग करते हैं जो एकदम फ्रेश। और क्योंकि 500 पीस इसलिए एक्स्ट्रा बनाया गया ना, क्योंकि जब फैक्ट्री में जो चीजें बनती हैं उसमें क्या होता है, मशीन भी है और मैन भी इन्वॉल्व है, और जहां पर इंसान की इन्वॉल्वमेंट होगी वहां पे गलतियां होंगी, सबको पता है। इंसान, बोला जाता है ना, इंसान गलतियों का पुतला है,
तो सबसे गलतियां होती है, तो वहां भी गलती होती है। किसी से कुछ स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ गई, किसी का या तो मशीन का ही कोई इंक लग गया, कोई ग्रीस लग गया, कुछ भी लग सकता है, एक्स वाई जी। तो इसलिए उस कंपनी ने 500 पीस एक्स्ट्रा बनाए, क्योंकि ऑर्डर तो फ्रेश पीस उसको देने हैं 5000 पीस। क्यूसी वाले ने 5000 पीस अलग किए, उसके प्राइस कम जो जिसका ऑर्डर था उसको पहुंचा दिए 5000 पीस। अब बात आती है, ये ऑर्डर वहां पे क्या, मतलब डील कंप्लीट हो गया, पेमेंट आया, सब कुछ ओके। अब बात आती है वो 500 पीस का क्या हुआ जो उसने एक्स्ट्रा बनवाए थे। अब जो एक्स्ट्रा बनवाए थे 500 पीस, उसके पीछे का जो ये है कि वो प्राइस कम से आनंद मिल जो है जिसने बनाया है, वो प्राइस कम ब्रांड से ये पूछेगा कि ये 500 पीस मेरे पास बचे हुए हैं उसका क्या करना है, उसे मुझे तो बेचना है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो रख के क्या करेगा। तो वो ब्रांड वाला ये बोलता है कि ठीक है आप इसका डी ब्रांडिंग कर दो। हम लोग अक्सर वीडियो में बोलते हैं कि डी ब्रांडिंग करके आया प्रोडक्ट। डी ब्रांडिंग का मतलब ये होता है, अब ये डी ब्रांडिंग में हर ब्रांड का अलग अलग अपना प्रोसेस होता है, अलग अलग टर्म्स कंडीशन होती है। सपोज प्राइस कम ब्रांड ने ये बोला कि ठीक है आप वॉश केयर कट करो और बेच दो, ठीक है। अब इसकी जगह, अब जैसे कुछ वीडियो में हमने देखा था गैप की जीन्स आई थी, उन्होंने वॉश केयर तो कट किया ही किया, ग्राइंडर से जिप के ऊपर भी उतना ब्रांडिंग हटा दिया, बटन के ऊपर कैपिंग कर दी। ये सब डी ब्रांडिंग का प्रोसेस होता है, हर ब्रांड टू ब्रांड वेरी करेगा। तो उन्होंने वॉश केयर कट किया 500 पीस। अब 500 पीस को उन्होंने कैटेगराइज किया, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए वो हुई जो कि एकदम फ्रेश पीस था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो एक्स्ट्रा उन्होंने बनाया था। कैटेगरी बी मतलब बहुत ही माइनर, जो कि इंसानी आंखों से नहीं समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो ए और बी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। कैटेगरी सी वो होती है जिसमें कहीं से कुछ कट लग गया या बहुत बड़ा स्पॉट आ गया उसके ऊपर, वो कैटेगरी सी होती है। तो वो कैटेगराइज करते हैं उसको फैक्ट्री, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। अब वो उसके वहां से फिर वो चीजें वो लोग मार्केट में निकालते हैं। कंडीशन यही रहती है कि आप हमारे ब्रांड का नेम विजिबल नहीं करोगे, बताओगे नहीं, आप बेच सकते हो इसको। तो वो ये प्रोसेस होता है, इसी के लिए जो प्रोसेस जो ब्रांड शोरूम में बेच रहा है 4000-5000 में, वो हम लोग यहाँ पे 1200-1300 में बेचते हैं, क्योंकि हमें सस्ता मिलता है। तो हमें उसको अपना जो भी मार्जिन होता है 200-300 रुपया रख करके हम लोग उसको सेल आउट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है सरप्लस का, वो यूज्ड प्रोडक्ट नहीं होते। यूज्ड प्रोडक्ट आप कैसे हो सकता है, आप कभी सोच के देखो इस चीज को। अगर कोई चीज अभी शोरूम में लगी हुई है, एक कार्गो है वो शोरूम में बिक रहा है, और वो यूज्ड कैसे हो सकता है? मतलब अब ऐसा तो होगा नहीं कि ब्रांड अपना कपड़ा दे देगा पहनने के लिए और पहन के धो करके फिर आ जाएगा बेचने के लिए और वो शोरूम में भी बेच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा लॉजिक, मतलब इस चीज को सोच के देखना। तो और भी डिटेल में बात करता हूँ वीडियो भी, ये सब चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा और प्रोडक्ट भी दिखा रहा हूँ। और सबसे पहले हम लोग ये दिखाएंगे चिनोज ट्राउजर्स जो है 30 वेस्ट में अवेलेबल है ये, तो जिनको ऑर्डर करना है वो फटाफट से ऑर्डर कर लेना। 30 वेस्ट चिनोज ट्राउजर्स है ये, बेन शर्मन के, इनकी फिटिंग जबरदस्त है, प्राइस इनका 1100 होगा। तो ये प्रोसेस होता है सरप्लस का, और वहां से ये चीजें हमारे पास आती हैं, और इसलिए ये सस्ते में मिलती है, ना कि इसलिए कि ये यूज्ड होती हैं। अब आपकी ये भी क्वेरी आती है कि यही कार्गो यहाँ पर तो आप इतने का दे रहे हैं, वहां पर 800 का मिल रहा है या 700 का मिल रहा है या 600 का मिल रहा है या 400 का मिल रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कैटेगरी का, जो मैंने आपको बताया कैटेगरी ए बी सी। कैटेगरी सी में सपोज यही ट्राउजर कैटेगरी ए वाला हमने लिया, हम लोग कैटेगरी ए बी में ही डील करते हैं जो कि एकदम फ्रेश होती है। तो कैटेगरी ए में अगर ये ट्राउजर आ गया वहां फैक्ट्री से तो ये हमें महंगा पड़ा है, और यही ट्राउजर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई वो कैटेगरी सी में चला जाएगा, तो उसको वो लोग सस्ता करके बेचेंगे, तो इसलिए उनको वो लोग रेट कम करके बेचते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि रेट ऊपर नीचे क्यों होते हैं, प्लस ये क्या प्रोसेस होता है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी, और अगर आ गई हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि 30 वेस्ट ये कंप्लीट हो गया, 30 में यही थे अभी, तो कमेंट में जरूर आप लिख दीजिए इस चीज को कि आपको क्लियर है, और अगर कोई डाउट रहा है तो वो भी कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लोग करेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। साइज 32 है ये,
यार मैं तो हैरान रहता हूँ कि बहुत लोग ना मतलब वीडियो बकायदा वीडियो बना के डालते हैं कि यार एक ट्रक माल उतर रहा है, तीन चार ट्रक अभी वेटिंग में खड़े हैं। आप कभी इमेजिन करके देखिए कि क्या वो ब्रांड्स अपनी वैल्यू को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? यार इतना बड़ा शोरूम खोल दिया है, इतने पॉश एरियाज में बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, वो ब्रांड्स इतना खर्चा कर रहे हैं और फिर क्या वो पूरा माल सरप्लस में निकाल देंगे सस्ता, 2-4 हजार, 1200 रुपये में बेचने के लिए? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है कॉपी का। जी हाँ, कॉपी का गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम अपने कस्टमर को साफ मना करते हैं कि हमारे पास नहीं है प्रोडक्ट, हमारे कस्टमर वापस चला जाता है या फिर वो वेट करता है जब प्रोडक्ट आता है। अब आप समझिए, 500 पीस अगर कोई सरप्लस का निकला है और उसमें कैटेगरी ए का सरप्लस में 500 पीस में से कैटेगरी ए में 200 या 300 पीस निकले हैं, अब 200 300 पीस को कोई ट्रक में भर के कैसे लेके आएगा? आप इमेजिन कीजिए, करंट आर्टिकल्स कैसे कोई इतना बल्क में ला सकता है? ऐसा नहीं होता है। तो कस्टमर की डिमांड ज्यादा है, पिछले 3-4-5 सालों में सरप्लस की इतनी ज्यादा डिमांड आई है, एकदम बूम पे है, और हर कोई चाहता है कि उसका कस्टमर वापस नहीं जाए। ये रेस लग रही है और हर कोई अपने कस्टमर को खुश करने में लगा है कि जो वो मांगे वो हम दे दें। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट होता है कॉपी का। आप लोग सेम ये चीज का कॉपी बना करके दे देंगे और आप लोग खुशी खुशी उसे लेकर के आ जाएंगे। वो लोग लेके आएंगे जिनको कि नहीं पता है कि ओरिजिनल क्या होता है, वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, चिल्ला चिल्ला करके वीडियो बनाएंगे, बड़े बड़े अपने गोडाउन दिखाएंगे, स्टॉक दिखाएंगे, बट रियलिटी ये नहीं होती है। आप इस चीज को समझिए कि सरप्लस जो जेन्युइन सरप्लस होगा उसमें करंट आर्टिकल्स में, मैं ये नहीं कहता कि जो पुराने आर्टिकल होंगे उसमें आपको क्वांटिटी मिल जाती है, वो एक अलग प्रोसेस होता है, बट जो करंट ट्रेंडिंग आर्टिकल्स होते हैं उसमें कभी भी आपको बल्क क्वांटिटी नहीं मिलती है। 200-300 पीस मिलते हैं यार, उसमें भी यार मैं ये नहीं कहता कि मैं ही खाली बेच रहा हूँ, 1-2% और भी लोग हैं जो डील कर रहे हैं इन चीज़ों में। तो मुश्किल से 150 पीस आते हैं इसके। ये 34 वेस्ट साइज चल रहा है ट्राउजर का। इनका प्राइस, ट्राउजर का प्राइस होगा, बातों बातों में बताना भूल गया, 1100 प्राइस होगा। 34 वेस्ट है तो ये सारे प्रोसेस होते हैं सरप्लस के। जिनको भी सरप्लस में चीजें चाहिए, इतनी बेहतर क्वालिटी आती है सरप्लस में, जो हमारे कस्टमर है उनको पता है और उनका फीडबैक ही हमें ये आगे बढ़ने के लिए और वो करता है, प्रेरित करता है कि इतना अच्छा स्टफ उनको मिलता है। और स्पेशली जो बाहर के ब्रांड्स होते हैं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं, उनकी क्वालिटी मैंने ये भी देखा है। हमने यूएस पोलो का इंडिया का शिपमेंट भी यूज किया है और यूएस का भी शिपमेंट यूज किया है, एक ही ब्रांड है, बट वो यूएस के लिए जो क्वालिटी बना रहा है वो इंडिया के लिए नहीं बना रहा, क्योंकि वहां पर बाहर के देशों में क्या होता है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को ही मैटर करते हैं, उनके लिए प्राइस कोई मैटर नहीं करता है। तो वो वहां के लिए जो होता है ना स्टफ, वो एकदम अलग ही स्टफ यूज करते हैं। तो ये चीजें भी होती हैं। तो बाहर के जो भी ब्रांड्स होते हैं उनका जो क्वालिटी स्टफ है वो अलग ही होता है। ये हो गया साइज 36 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, 36 साइज, और जबरदस्त चीज है। इसका एक बार डिटेल एक बार दिखा दो यार, ये अंदर से देखो क्या फिनिशिंग है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क देखो जबरदस्त। स्ट्रेच में है, साइज 36, बैंड शमन, ये जिप वगैरह, जो मैं चीजें बता रहा था ना कि डी ब्रांडिंग में बहुत सारे ब्रांड्स अपने उनको ग्राइंडर से हटवा देते हैं या फिर एसेसरीज भी चेंज करवा देते हैं। उनका ये भी कहना होता है कि एसेसरीज आप चेंज कर दो। तो आपने कई बार देखा होगा कि स्टफ तो 100% ओरिजिनल होता है, बट एसेसरीज जो होती हैं, जिप हो गया, बटन हो गया, वो भी चेंज आपको कई बार मिल जाते हैं। तो सरप्लस में आपको ये चीजें मिलती हैं, बट ये चलती इसीलिए हैं क्योंकि इतना अच्छा स्टफ, ओरिजिनल चीजें होती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं ऑनलाइन, बट हमारे पास जो सरप्लस में आती है वो इसलिए सस्ती आती है बिकॉज ऑफ डी ब्रांडिंग। तो साइज 36 है ये सारा। ये भी मिल जाएगा ओनली एंड सन्स का, 36 वेस्ट में।
ये सारा ट्राउजर है। नाउ 38 वेस्ट भी दिखा देता हूं मैं, ये कॉर्ड्राई में है, वेस्ट साइज 38, तो आप लोग कॉर्ड्राई के लिए ऑर्डर कर सकते हैं 38 वेस्ट में। ये तो सेम वही कलर है यार, एक ये कलर मिल जाएगा एंड ये तो हटा, और बेंशरमन का ये मिल जाएगा। दीज आर वेस्ट साइज 38 एंड स्ट्रेच में है ये सारा, और प्राइस एज मैंने बताया पहले ही 1100 इसका प्राइस होगा और इंक्लूडिंग शिपिंग होगा ये प्राइस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभिषेक बेटा वो लिनन वाली पैंट्स दिखा, तो इनका प्राइस 1100 है। अभी मैं आपको लिनन की पैंट्स दिखा रहा हूँ, सारी ले आओ एक साथ ही ले आओ, मैं दिखाता हूँ। लिनन पैंट्स आई है और इनकी तो डिमांड मतलब समर में इतनी है ना कि जब आता है तब ये स्टॉक निकल जाता है। तो इस बार ब्रांड इसमें आया है H&M का, इसकी ऑनलाइन पिक्स में दिखा। तो यार मोबाइल कहाँ गया मेरा दूसरा, ओए मेरा दूसरा मोबाइल कहाँ गया, देख बेटा कहाँ रखा है, तब तक मैं देता हूँ। चलो ले आए, लाओ दो। इधर लाओ, कैमरा लाओ, एक बार दिखा देते हैं नजदीक से। ये पैंट्स है, अभी आपको ऑनलाइन भी लगी हुई मिल जाएंगी, सेम यही पैंट है, ये वाला कलर भी आया हुआ है। प्राइस देख लो, 2300 का ये अवेलेबल है अभी, और इसमें कलर भी मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से कलर है इसमें। यार 3-4 कलर थे, फोटो आई नहीं क्या, अभी तो स्क्रीनशॉट लिया मैंने। चलो एनीवेज मिल जाएगा, आप लोग H&M की साइट पे ही देख लेना, ऑफिशियल साइट पे ही अवेलेबल है H&M की। तो 2300 में ये अभी ऑनलाइन बिक रहा है, और हमारे पास प्राइस होगा इसका 1200 रुपीज, 1200 रुपए में एकदम करंट ट्रेंडिंग आर्टिकल है। वॉश केयर जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ से लेबल कट करके आया, इसको डी ब्रांड बोलते हैं। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा H&M का जब भी स्टॉक आता है तो उनका, जैसे मैंने बताया ना, हर ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। H&M का है कि आप यहाँ से लेबल हटा दोगे, यहाँ पे H&M हटा दिया गया। वॉश केयर भी इसका कट होगा आई थिंक। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि ये सारी चीजें ना एकदम फ्रेश आर्टिकल्स होते हैं, करंट आर्टिकल्स होते हैं। अगर यही स्टॉक पुराना होता, अगर यही स्टॉक पुराना होता, आज ब्रांड इसको शोरूम में बेच रहा है। ऐसा भी होता है ना, ब्रांड अगर शोरूम में लेके गया चीजों को बेचने के लिए, ऐसा नहीं होता कि उसका 100% माल बिक जाता है, माल तो उनका भी बचता है। उस बचे हुए माल को वो क्या करते हैं, वो देश भर से इकट्ठा करते हैं H&M के जहां जहां शोरूम्स होंगे। जब सीजन चेंज होता है तो उनके पास नया स्टॉक आता है, पुराना स्टॉक वो सारा क्लब करते हैं, एक जगह इकट्ठा होता है, उसकी नीलामी होती है, वो फिर 2-3 साल पुराना स्टॉक आता है, उसमें आपको प्रॉपर ये वॉश केयर सारी चीजें मिलेंगी, लेबल मिलेगा, प्राइस टैग भी मिलेगा, तो वो स्टॉक अलग होता है। लेकिन जो मजा इस स्टॉक में है, इसलिए बोल रहा हूँ इस स्टॉक में क्या मजा है, बिकॉज ये अभी एकदम करंट आर्टिकल्स होते हैं, अभी के ट्रेंड कर रहे हैं, अभी फैशन में। आज से 2 साल बाद तो इसका ट्रेंड चला जाएगा, आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वॉश केयर और प्राइस टैग का करना क्या है भाई। वॉश केयर प्राइस टैग को थोड़ी ना पहनना, पहनना तो कपड़े को है ना, प्राइस टैग तो हटा के फेंक दोगे आप लोग। तो मजा इसमें है क्योंकि चीजें एकदम फ्रेश मिल रही है आपको, अभी के फैशन वाली चीजें मिल रही है, और वो भी एकदम इस रेट में। ये देखिए अंदर से इसका पैटर्न मैं दिखाता हूँ किस तरह से है। यहाँ पे आपको ये हुक मिलेगा, फिर एक ये बटन इन्होंने दिया हुआ है। ये चीजें इसलिए हम दिखा रहे हैं कि आप जिसको भी डाउट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा जाइए शोरूम में, चेक कीजिए, आपको 1% भी लगता है आप रिटर्न कीजिए, आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ये स्टैंपिंग होती है उसमें डी उसके लिए। ये देखिए ये वॉश केयर था, यहाँ पे ये वॉश केयर था, ये काट करके आया है, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को चीजें दिखाने की, समझाने की, और आई होप, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अभी आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सरप्लस का प्रोसेस क्या होता है, क्यों डी ब्रांड करके आती हैं चीजें, क्यों हम सस्ती बेचते हैं,
तो ये सारी चीजें आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई हो। अभी जो साइज दिखा है मैंने वो स्मॉल साइज था, अब ये मीडियम साइज है। इसका प्राइस मैंने बताया आपको 1200 इसका प्राइस है विद शिपिंग। ये मीडियम साइज में ये सारे आर्टिकल्स है। ये वाला कलर था जिसकी मैं ऑनलाइन पिक दिखा रहा था, और ऑनलाइन ये सारे ही कलर्स अवेलेबल हैं। आप H&M की वेबसाइट पे ही जाके चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। ऑल कलर्स आर अवेलेबल एंड वहां पर ये मिलेगा आपको 2300 रुपये में, और हमारे पास ये मिल रहा है आपको 1200 रुपये में। लिनन जो कि समर में इतना ज्यादा इसका डिमांड रहता है, ये मीडियम के कलर से ये हटा दो। नाउ लार्ज साइज में दिखा देता हूँ, और इसीलिए हम लोग ये वीडियो में इतनी क्लियरिटी से दिखाते हैं, साइज वाइज दिखाते हैं, बिकॉज इतना हमारे पास भी टाइम नहीं रहता और आपके पास भी टाइम नहीं है कि ये इसमें क्या अवेलेबल है, इसमें क्या अवेलेबल है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो विदाउट स्किप करके देखा करें, और इस वीडियो को तो हो सके तो आप सेव करके रख लें, आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। किसी से भी आप कोई भी पॉइंट पे आप बात कर सकते हैं सरप्लस को लेकर के। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट में भी लिख सकते हैं कि ये चीज हमें पसंद नहीं आई या इसमें ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो उन सब का जवाब भी आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। ये साइज चल रहा है लार्ज, ये लार्ज साइज के कलर्स हैं। नाउ द साइज एक्सल, ये एक्सल साइज है। H&M जो कि वेल नोन ब्रांड है, और ये सारे इतने फास्ट फैशन वाले ब्रांड्स है ना, इन लोगों के फैशन इतने जल्दी जल्दी चेंज होती है। ये एक्सल साइज है एंड दिस वन डबल एक्सल। तो ये हमारे पास इसका लिनन का स्टॉक है, ये हटाओ भाई। अब मुझे शर्ट्स दिखा दो, ये सेल वाली। साइज कैसे लगाएं, इसमें सबसे छोटा है ना ऊपर, ठीक है। तो ये शर्ट्स अभी जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सेल में अवेलेबल है। फ्लैट प्राइस इनका होगा 600 रुपये, और वो इसलिए है क्योंकि अब इनमें हमारे पास जो है ना कलर्स ऑप्शंस नहीं बचे हैं, और किसी ब्रांड में कुछ है, किसी ब्रांड में कोई पीस बचा हुआ है, इसलिए हमने इन सबको क्लब कर दिया है और एक फ्लैट रेट रखा है 600 रुपीज। और चेस्ट साइज जो ये मैं दिखा रहा हूँ वो 38 चेस्ट साइज है। ये ग्रीन वाला भी 38 था, ये भी 38 है, और ये ब्रांड इसमें सारे ही अच्छे ब्रांड्स हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले देखा यार, ये ब्रांड दिखाना जरा, ये ब्रांड देखो किलर, ठीक है। अब लोगों ना होलसेल प्राइस, मतलब मैं शॉक्ड था यार, मतलब ऐसे 955,000 रुपए के लोग होलसेल कर रहे हैं जीन्स। यू कैन बिलीव, हम लोग जीन्स 1200 रुपए में रिटेल विद शिपिंग कर देते हैं, 950,000 रुपए में होलसेल किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल पे चल रहा है। बस आप लोगों को यही समझाया जाता है उस उनकी वीडियोज में या जो भी है, कि बड़े बड़े शोरूम्स दिखाए जाएंगे, गोडाउन दिखाया जाएगा, स्टॉक दिखाया जाएगा, बस वही गेम चलता है। चेस्ट साइज 40 चल रहा है अभी, ये हमें वो काम नहीं करना यार, हमें चिल्लाना नहीं आता, हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से और सच्चाई से करते हैं, जो है वो फैक्ट बता के चलते हैं। और ये भी बता देते हैं कि हम जो आपसे कमाते हैं वो 250-300 रुपये कमाते हैं, और वो कमाएंगे भी, उससे कम नहीं लेंगे। चीजें हमने एकदम फिक्स कर रखी हैं, क्वालिटी पे शुरू से ही हमने यही रखा है कि यार बेचना है तो ओरिजिनल बेचना है, कॉपी ओपी हमें बेचना ही नहीं है। हमारे पास जो भी चीज मिलेंगी ना ऑथेंटिक मिलेगी, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। 1% भी डाउट आया, आप तुरंत प्रोडक्ट वापस कीजिए, पैसे आपके अकाउंट में मिल जाएंगे जैसे ही प्रोडक्ट हमारे पास रिसीव होगा। साइज वगैरह का कोई भी इशू रहता है, हम अपनी तरफ से तो यही चाहते हैं साइज आपको परफेक्ट मिले, जो भी मेजरमेंट आप चेस्ट का, लेंथ का, जो भी आप चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको करके दिखाया जाता है, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आए।
उसके बाद भी अगर आपको साइज का इशू रहता है देन शिपिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, क्योंकि शिपिंग चार्ज एक बार में हमारे लिए है। अगर गलती हमारी तरफ से है तो वो प्रोडक्ट रिटर्न भी ले लेंगे और दूसरा भी आपको मिल जाएगा। तो ये चेस्ट साइज 40 था, ये हटाओ भाई। नाउ चेस्ट साइज 42, ओके, ये चेस्ट साइज 42 है, ये 600 रुपए में है। तो भाई देख लेना अपने हिसाब से, जिसको जितना चाहिए ना, 2-4-5 पीस जिसको जितना चाहिए वो ले लेना, ये अवेलेबल है अभी। सारा चेस्ट साइज 42 चल रही है। सिंपलेस्ट वे है प्लेस करने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप नंबर हमारे दिए गए हैं, दो नंबर हैं, दोनों में से किसी पे भी आप स्क्रीनशॉट सेंड करके और साइज जरूर मेंशन कर देना। हाय हेलो आप करते हैं अच्छी बात है, बट जो जिस चीज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कैसा होता है ना कि ऊपर वाले की दया है कि मतलब आप लोगों का प्यार इतना है, लोग कमेंट आते हैं भैया स्टॉक दिखाया था अभी 2 दिन पहले तो वीडियो आई थी, अभी आप बोल रहे हो स्टॉक निकल गया। भैया निकल जाता है, हम क्या करें, स्टॉक एक तो लिमिटेड चीजें आती है, फिर आप लोग मतलब इतना सपोर्ट करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो तो स्टॉक निकल जाता है। तो इसलिए आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट के साथ में साइज जरूर मेंशन कीजिए कि ये साइज का चाहिए हमें, अवेलेबल होगा तुरंत आपको उसकी क्लिप मिल जाएगी, वीडियो क्लिप बना के आपको भेज देंगे, या फोटो लेना चाहे फोटो मिल जाएगा, वीडियो कॉल करना चाहे तो वीडियो कॉल भी पॉसिबल है। ये 44 चल रहा है साइज, सारा चेस्ट साइज 44। ये हो गया भाई, ये होगी हमारी सेल वाली शर्ट्स, 600 रुपए ईच, चेस्ट साइज 38 से 44 तक है। अभी वो वाली शर्ट्स ले आओ लिनन वाली, अब दिखाता हूँ यार शानदार चीज आई है। ये देखो एकदम प्लेन व्हाइट, ब्रांड दिखा दो, रिजर्व का है ये, इसकी कार्गो भी आई थी और ये ब्लैक डॉट है, मतलब आप समझ सकते हैं इसकी क्वालिटी क्या जबरदस्त है। ये ब्लैक डॉट एडिशन है इसका और सिर्फ व्हाइट कलर है, परफेक्ट फॉर समर में लोग व्हाइट के लिए ढूंढते रहते हैं, इस बार व्हाइट कलर ना अच्छा है हमारे पास तो वो भी मिल जाएगा। अब एक मिनट पॉज करना यार कस्टमर। तो ये व्हाइट वाली शर्ट रिजर्व की है, इसकी भी ऑनलाइन अवेलेबल है, ये इधर ले आओ यार एक बार दिखाई दो, ये वाली शर्ट है ये रिजर्व की, ये वाला ब्रांड है ये, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको 1200 रुपीज में। उसके बाद लिनन शर्ट्स, यार इतने टाइम से डिमांड थी लोगों की लिनन में, लिनन में ये फुल स्लीव शर्ट्स आई हैं, ब्रांड प्रेमक का है, दिखा दो भाई एक बार क्लोजअप दिखा दो इसका भी, इसमें 3-4 कलर्स आए हैं हमारे पास, ये ब्रांड है प्रेमक का, एम साइज रेगुलर फिट में ये है सारी, कलर इसमें ब्लू है, ये ऑलिव है और वाइट कलर, ये 3 कलर हैं इसमें मोस्टली। ये वाला जो है कलर ये सिर्फ 2XL साइज में है, मैं अभी बता रहा हूँ कि इसके स्क्रीनशॉट भेजने लगोगे, स्मॉल मीडियम लार्ज नहीं है, ये कलर सिर्फ 2XL में है, बाकी के ये तीनों कलर स्मॉल से लेके XL, XL, 2XL तक मिल जाएंगे। अब ये जो ब्रांड आया ना यार, ये इतना खतरनाक ब्रांड आया है, इसका स्टफ जबरदस्त, इधर लाओ एक बार इसका मैं पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए ये है ब्रांड, ये आई सॉलिड करके ये इनका स्टोर है, देखिए आई सॉलिड, और ये बाहर का ब्रांड है, और शर्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, ये देखो ये सारे ही शर्ट्स और प्राइस देख रहे हो, अरे भाई हटो ना, एक तो अपना ये फोन ना इतना हैंग होता है,
आ गया, ये है 40 यूरोस के, मतलब 4,000 समथिंग की। ये सारे कलर्स आए हुए हैं 40 यूरोस के, मतलब 4,000 की शर्ट्स हैं ये। कलर मैं आपको दिखा देता हूँ, इनमें आप साइज एक बार क्वेरी कर लेना कि किसके साइज में कौन सा कलर अवेलेबल है, तो वो हम आपको बता देंगे। अभी हम आपको सभी कलर्स दिखा रहे हैं और स्टॉक इसका थोड़ा लिमिटेड ही है, तो शुरू के एक दो दिन में ही ये स्टॉक आप लोग को आई होप मिल पाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम आई है। तो फटाफट से आप लोग क्वेरी कर लेना इनके लिए। और लिनन और विस्कोस फैब्रिक ये मतलब ब्लेंडेड है, इतना सॉफ्ट लिनन के साथ विस्कोस, मतलब इसमें कंफर्ट भी है और सॉफ्टनेस जबरदस्त है। ये देखिए कितने प्यारे और एकदम सॉलिड कलर, जो सॉलिड, इसका नाम भी है सॉलिड और पैटर्न भी सारे सॉलिड हैं इसके। ये वाला जो है सॉलिड वाला, ये 1300 का है और बाकी की जो शर्ट्स दिखाई है वो 1200 की। ये हटाओ भाई, अब दिखाते हैं हम आपको टी शर्ट्स। जो टी शर्ट का स्टॉक ना जैक एंड जोन्स का लास्ट टाइम जो आया था, इतना फास्ट मूविंग था, वो सारा स्टॉक निकल गया। अब मुझे टी शर्ट्स का नया स्टॉक आया है, नए पैटर्न्स आए हैं। पहले बेटा 2-3 साइज ही दे दो ना मेरे को, स्मॉल मीडियम पकड़ा दो, मुझे मीडियम पकड़ा दो, उसके बाद दे देना लार्ज। देख यार खोलना नहीं, आ जाओ बस बाद में दे देना। तो ये टी शर्ट ना जैक एंड जोन्स की, अभी नया पैटर्न आया है ये, और इतना सॉफ्ट इसका फैब्रिक, लास्ट वीडियो में भी इतना जबरदस्त रिस्पांस था इस इन टी शर्ट्स का, मतलब परफेक्ट फॉर समर। इतना कूल है ना ये, पहनने के बाद इतना मतलब ठंडा ठंडा लगता है। मैंने खुद भी ये अभी पहना हुआ है लार्ज साइज, मैंने इतना जबरदस्त इसके वो फील आता है ना, बहुत अच्छा फील है एकदम। समर में बिना पंखे के भी बैठे रहो तो गर्मी नहीं लगेगी इसमें, इतना ठंडा है। ये सारे स्मॉल साइज चल रहे, प्राइस वही लास्ट वाले प्राइस है इसके, 550 रुपीज ईच। दीज आर ऑल स्मॉल साइज, आप लोग स्मॉल के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और स्मॉल साइज लिख करके हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। आगे का सारा प्रोसेस हमारा है, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, रिवर्ट कर देंगे, और उसमें जो भी रहेगा ना, आपको चाहेंगे इसकी डिटेल की एक वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, पिक्चर चाहिए पिक्चर मिल जाएगी, वीडियो कॉल करना चाहते हैं वीडियो कॉल भी कर लीजिए। बस इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा कि स्क्रीनशॉट हमें शेयर करनी पड़ेगी ताकि ये चीज़ें हम आपको दिखा दें। ये स्मॉल साइज हटाओ भाई, ये हो गया स्मॉल। अभी इसके मीडियम के पैटर्न्स आपको दिखाता हूँ, ये मीडियम साइज है। ये देखो इसका बैक प्रिंट, ये लैब एडिशन है, अंदर का दिखाने का कंस्ट्रक्शन इसका क्या जबरदस्त है। ये एडिशन ही अलग है यार, ये लैब का यहाँ पे आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही प्यारी। और इसका पैचिंग देखो, ये क्वालिटी, माय गॉड, पूरा ना ये मतलब रबर का पैच है, ये प्रिंट नहीं है, ये अलग से पेस्टिंग किया हुआ है पैच इसका, भाई अलग ही चीज बनाई है, बेहतरीन चीज है ये, बेहतरीन। ये देखो क्या है, कूल कलर्स हैं एकदम, समर वाले जो होते हैं ना। और ये सारा स्टॉक ना, मतलब ये इंडिया वाला नहीं है स्टॉक, ये सारा बाहर के लिए शिपमेंट है। मतलब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि जब मैंने अभी वेयर किया हुआ है तो फील अलग ही है इसकी। ये सारा इनका आप जो है ना, ये बाहर के लिए डॉलर्स में, मतलब किसी यूरोपियन कंट्री के लिए ये बना है, कहीं के लिए भी जा रहा होगा। शिपमेंट कैंसिलेशन भी एक अलग प्रोसेस होता है उसके, उस वो भी आपको मिलता है उसमें सरप्लस में, वो कस्टम के थ्रू जब स्टॉक बाहर जाता है, कुछ कोई रीजन बींग अगर कोई पेपर में कमी रह गई, कुछ रह गया, वो पूरा का पूरा स्टॉक कैंसिल हो जाता है, तो वहां से भी कस्टम के थ्रू भी इसकी नीलामी होती है और वो भी स्टॉक आता है। वो स्टॉक जब हम लोग बोलते हैं कि शिपमेंट कैंसिलेशन स्टॉक, तो शिपमेंट कैंसिलेशन स्टॉक में क्या होता है कि आपको प्रॉपर एकदम शोरूम कंडीशन में वो स्टॉक मिलता है, मतलब उसमें आपको पॉलीपैक मिलेगा, वॉश केयर मिलेगा और प्राइस टैग भी उस पर मिल सकता है आपको। शिपमेंट कैंसिलेशन स्टॉक बोलते हैं उसको कि किसी रीजन बीइंग वो नहीं जा पाया बाहर और वो स्टॉक उनका कैंसिल हो गया,
या फिर कई बार वो स्टॉक वहां पहुंचा, लेट पहुंचा, तो वो डील कैंसिल हो जाती है, वो लोग रिटर्न कर देते हैं, तो वो भी होता है। तो सरप्लस बहुत सारे तरीकों से आता है, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, बट यूज नहीं होता, और रिजेक्टेड आते हैं, बट वो चीज अलग होती है, उसके रेट अलग होते हैं, वो हम लोग नहीं डील करते उसमें। ये देखिए सर, व्हाइट पैटर्न में कितने सारे कलर है ना, जो लास्ट वाला पूरा स्टॉक एकदम पीस टू पीस सोल्ड आउट हो गया, मुश्किल से कुछ पीस बचे होंगे, 10-12 पीस, बट ये फिर नया लॉट आया है और नए सारे पैटर्न्स आए हैं। इसमें सेलेक्ट होम भी मिलेगा आपको और प्रोडक्ट भी मिलेगा, जो कि जैक एंड जोन्स की ये ब्रांड्स हैं। दूसरे श्योर एंड सिंपल, देखो कुछ तो देखा था मैंने, ये चीज होती है। देखो बात करते करते चीजें दिखी जाती हैं यार, इतना डिटेल में मैं कोशिश करता हूँ ना। ये होती है देखो, ये आप टैग देख रहे हैं, QC इस पे लिखा हुआ है, किसी किसी पे मिल जाता है इस तरह का स्टिकर, बट सरप्लस पे मोस्टली इस तरह से आती नहीं है QC चेक वर्क। ये QC होता है, ये होता है क्वालिटी चेक का। ये स्टिकर मुझे दिख गया दिखाते दिखाते, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिसकी बात मैं कर रहा था कि QC में जाती हैं वो चीजें, वहां से वो लोग सेग्रीगेट करते हैं कैटेगरी को, तो ये होता है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जितना मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ आया होगा, और बहुत हद तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप हमारी वीडियो को कौन सी कैटेगरी में लेते हैं वो भी जरूर लिखिएगा कमेंट में, तो हमें भी अच्छा लगेगा, और अगर खराब लग रहा हो तो भैया खराब भी लिख देना, कोई मना तो किया नहीं है। ये सारा मीडियम साइज में है, ब्लैक कलर, एंड ये है नेवी जैक एंड जोन्स। ये मीडियम साइज हो गया, अब दिखा दो मुझे लार्ज साइज। चलो वो भी रख ही दो यार, एक्सेल भी रख दो, यहीं पे रख दो, डबल एक्सेल भी है क्या? चलो वो बाद में दे देना, अभी रहने दो। ये हटा दो, लार्ज साइज हो गया, आप हटा दो इसको। ये साइज आ गया अपना, आई थिंक एक्स, नहीं यार ये भी लार्ज है क्या? ये कैसे लगाया था? ओके सॉरी, वो मीडियम था जो अभी हमने दिखाया, लार्ज अभी स्टार्ट होगा, मैं गलत बोल रहा था। अभी हमने स्मॉल और मीडियम दिखा दिया है, और ये अभी लार्ज चल रहा है। प्राइस हमने बता ही दिया है, 550 रुपीज है प्राइस इनका। ये लार्ज साइज अभी स्टार्ट हो गया है। कलर देखना यार क्या कूल कलर है, जबरदस्त कलर्स हैं एकदम, मतलब इनको देखते ही ठंडक आ जाती है आंखों में भी, और पहनने के बाद बॉडी में पूरा ठंडा आ जाए एकदम। अलग ही स्टॉक है ये, अलग स्टफ है ये, सारा QC पास्ड है। ये स्टॉक होता है सारा कैटेगरी ए वाला, जो कि फ्रेश स्टॉक होता है। ये बैक प्रिंट है इस पे, जैक एंड जोन्स। कलर देख रहे हो यार क्या जबरदस्त कलर्स हैं इसमें, और ये देखो ये पूरा, ये पैचिंग दिखाओ एक बार यार। ये कुछ पीस तो ऐसे हैं ना जिनको डिटेल दिखाना बनता है, ये देखिए देख रहे हो क्या कारीगरी करी है, बहुत ही कूल। मतलब आप इनको कार्गो वगैरह के ऊपर वेयर कीजिए, जबरदस्त लुक आएगी। ये बैक प्रिंट, मैं फटाफट दिखाता हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं। ये बैक प्रिंट है इसका, ये देखो क्या चीज है भाई, ये बहुत प्यारी चीज है एकदम, पैटर्न अलग ही है, और ब्रांड ये वाला है,
सेलेक्टेड होम, इनका जो है ना मतलब जैक एंड जोन्स वालों का सबसे प्रीमियम सेगमेंट ये आता है, मतलब इसको बहुत महंगा बेचते हैं वो लोग, लेकिन अपने पास सेम वही प्राइस में मिलेगा क्योंकि हमें वही सेम प्राइस आया है। ये देखो इतना कूल है यार, ऐसे कलर्स देख के मतलब आंखों को ही ठंडक मिलती है, इतना जबरदस्त कलर्स, इतने लाइट कलर, कूल कलर्स है ना, और इनका पैटर्न फैब्रिक भी जबरदस्त है। ये सारा लार्ज साइज चल रहा है, ये देखिए बैक प्रिंट इसका, ये लार्ज हो गया अपना ओवर। अभी एक्सेल साइज दिखा देता हूं आपको, ये एक्सेल है, एक्सेल ये सारा एक्सेल है। आ गया भाई, आ जाओ, ये पॉकेट है इसमें सामने, ये भी एक्सेल, ये देखो कितना जबरदस्त आर्टिकल है एक्सेल में। ये जैक एंड जोन्स एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, ये प्रिंट नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है जैक एंड जोन्स, दिखा दो भाई, ये देखो क्या बेहतरीन आर्टिकल है। दीज आर ऑल एक्सल साइज, अभी एक्सल साइज चल रहे हैं, प्राइस रिपीट अगेन 550 रुपीज ईच। कैश ऑन डिलीवरी के लिए प्लीज कॉल नहीं करना, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। कुछ हर वीडियो में मैं ये बात बोलता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों की 2-4% ऐसे कस्टमर होते ही हैं जो कि आपसे साइज भी पूछेंगे, सारे आर्टिकल्स भी दिखवाएंगे, कम से कम 20-25 मिनट वो हमारा लेंगे, उसके बाद फिर मैसेज करेंगे सर COD अवेलेबल है, हमारा रिप्लाई जाता है नहीं। मैं इसलिए उनको मना कर रहा हूँ कि यार आप लोगों की वजह से जो जेन्युइन वायर्स है ना उनको लेट हो जाता है, उनके ऑर्डर्स नहीं निकल पाते हैं क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी में हम लोग डील करते ही नहीं है। डबल एक्सल दिखाओ भाई, सारा प्रीपेड ऑर्डर होता है, पैन इंडिया हमारी शिपिंग रहती है फ्री, आपको जो रेट हम बता रहे हैं सिर्फ उतना ही पे करना रहता है, उसके अलावा आपको नहीं पे करना कुछ भी। कैसे लगा ये, ये डबल एक्सल है बैक प्रिंट, ये भी बैक प्रिंट के साथ सेलेक्टेड होम का है, डबल एक्सल, ये प्रिंट में है, ये देखिए ये भी डबल एक्सल। तो ये टी शर्ट्स हैं, इसके अलावा और भी टी शर्ट्स हैं, आप लोग कैरी कर लेना, वो भी आपको शो कर देंगे। अभी आपको बैग दिखाता हूँ, ये स्विस वाले बैग्स दे दो, वो दोनों ट्रॉली बैग्स भी दे दो, एक वहां रखा है वो भी दे दो, ये ट्रॉली बैग्स स्विस मिलिट्री के केबिन बैग्स है, मतलब 20 इंच इनका साइज है और ये पूरा डायमंड कट में है। पहले इसकी डिटेल मैं दिखा देता हूँ, इस पर अच्छे प्राइस आए हैं इसके, और ये पूरी इसमें वारंटी मिलेगी आपको, 5 ईयर की इंटरनेशनल वारंटी होगी, क्वालिटी जबरदस्त है, ये ब्रांड जैसे कि जाना जाता है ना अपने रफ एंड टफ के लिए, बैगेजेस में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ये जिप की क्वालिटी वगैरह शानदार है, ये अंदर से है भी पूरा, ये देखिए ये जिप मिल जाएगी एक यहाँ पे, जैसे कि हम लोग ट्रॉली बैग्स वगैरह में रहते हैं उस तरह से है, ये पूरी अंदर यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह है, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी।
एक ये कलर मिल जाएगा ब्लैक कलर, और दूसरा ये बेज कलर, ये दोनों मिल जाएंगे आपको। और इनका प्राइस होगा 2300, 2300 रुपये विद वारंटी। फ्रेश स्टॉक है ये, इसमें हम आपको वारंटी भी देंगे, प्रॉपर इसका बिल मिलेगा, जो कि आप कहीं भी इंटरनेशनल कहीं भी इसको क्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम। वैसे प्रॉब्लम आती नहीं, हम बहुत टाइम से इस ब्रांड में डील कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा इसमें एक ये आर्टिकल भी मिल जाएगा, ये भी एक तरह का ट्रॉली बैग ही, आप कहीं दो चार दिन के पैकेज टूर पे जा रहे हैं या कहीं ऑफिस मीटिंग में जा रहे हैं, तो ये बेस्ट चीज है उसके लिए। यहाँ पर इसका ट्रॉली निकल के आता है बाहर, इसको ऐसे पैक कर दीजिए। दूसरा बैक साइड से इसका बैकपैक भी, मतलब ये ट्रॉली भी है, बैकपैक भी है, और हैंड कैरी भी कर सकते हैं। ये इसका बैकपैक निकल जाता है यहाँ से, और ये चीज आपकी नीचे यहाँ पे चिपक जाएगी। इसकी कुशनिंग इतनी शानदार है यहाँ पे ना, आप वेट इसमें पता ही नहीं चलेगा आपने कैरी किया हुआ है। नेक्स्ट इसका फ्रंट में दिखा देता हूँ, ये जिप वगैरह दिखाओ यार, क्या क्वालिटी, कितनी हैवी जिप लगाई हुई है। मतलब आप बोलते हैं ना कि अपना लिफाफा देख करके अंदर का अंदाजा लग जाता है ना, इसकी जिप क्वालिटी देख करके इस बैग का पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटी है, बहुत बेहतर क्वालिटी है। इसमें जिप्स देख लो, एक दो, एक इधर है, ये अंदर यहाँ पे सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए। ये आपके लैपटॉप के लिए है, ये 17 इंच का लैपटॉप आ जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं, साइज भी बता देता हूँ, 17 इंच के लिए सफिशियंट है ये। तो यहाँ पे आपका लैपटॉप आ गया। नाउ इसके बाद वाले कंपार्टमेंट में चलते हैं। ये इसका मेन है, ये देखिए, ये इसका मेन हो गया। यहाँ पे आप आराम से तीन चार दिन के अपने कपड़े रख करके कहीं भी पैकेज पे एक बैग लीजिए और निकल जाइए, परफेक्ट चीज है ये। इसका प्राइस है 3500, 3500 रुपए में ये बैग मिल जाएगा, जो कि हैंड बैग, बैकपैक और ट्रॉली बैग तीनों का ही काम करेगा। तो ये भी अवेलेबल है। अभी आपको मैं एक छोटा सा पॉज लेते हैं, उसके बाद मैं किड्स का लास्ट वीडियो में जो हमने दिखाया था और ऑलमोस्ट स्टॉक उसमें सोल्ड आउट है, साइज वाइज सेग्रीगेट नहीं हो पाया था, मैंने सभी को रिक्वेस्ट ही किया था बाद में जब कॉल आ रही थी। अभी जो भी अवेलेबल है हम साइज के अकॉर्डिंग दिखा देते हैं, और आपको जो जिसको जो भी चाहिए, एज हम बता देंगे उसमें कि इस एज का है, तो आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट लीजिए और तुरंत ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। एक छोटा सा पॉज लेंगे, थोड़ा चीजों को सेटल कर लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अभी किड्स में ये मंथ ग्रुप में है, गेस ब्रांड की ये टी शर्ट है मंथ ग्रुप में। तो इसमें एक ये हाफ स्लीव मिल जाएगी, इतनी प्यारी सी है यार, क्यूट सी, और ये फुल स्लीव, ठीक है, ये गैस में अवेलेबल है। और इसका जो प्राइस है वो 380 है गैस का, ठीक है, ये गैस ब्रांड की 380 रुपीज में है। नाउ ये हो गया अपना एक दो साल वाले जो ग्रुप होता है ना, इसमें आपको ये सेट मिल जाएगा, बेबी हग ब्रांड है। और एक तो ये फुल स्लीव टी शर्ट एंड उसके साथ ये पजामा, ये दोनों सेट है, तो ये मिल जाएगा। ये एक दो साल वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको, और एक ये भी सेट है, इसमें ये टी शर्ट है और फोल्ड बाद में हो जाएगा बेटा, अभी फोल्ड मत कर, बस तो हटाता जा, नहीं तो मिक्स ना हो जाए। तो बच्चों के साइज बड़े ही अलग अलग आते हैं इनमें। एक ये मिल जाएगा, ये गर्ल्स का है, 1-2 ईयर की गर्ल अगर होगी तो उनके लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये प्राइस इनका 380 है। अब ये फ्रॉक है 100 रुपीज ओनली, 250 रुपीज ओनली। ये टॉप है रफल बट का, अमेजोन पे अवेलेबल रहता है ये ब्रांड, बहुत ही कॉस्टली ब्रांड है ये, बहुत महंगा आता है, आप ट्राई करना एक बार, ये वाला ब्रांड है, दिखा दो एक बार, रफल बट है। ये येलो मार्किंग जो ये लाइनिंग दिख रही है ना, ये सरप्लस के लिए इन्होंने मार्क करके दिया है। तो ये कलर मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा पर्पल एंड वाइट कलर, ये वाइट कलर मिल जाएगा। इनका प्राइस रफल बट का 250 रुपीज है ओनली, ये 100 रुपीज में है, एज मैंने आपको बता दिया। ये नाइकी का शॉर्ट है, 380 रुपीज ओनली,
नाइके, ये भी 100 रुपीज का है शॉर्ट, और ये सीके का शॉर्ट है बच्चों का, इसका प्राइस होगा 250 का है सीके वाला। तो ये एज ग्रुप मैंने दिखा दिया आपको, अभी हम दिखा रहे हैं आपको 2-3 ईयर का, मतलब 2-3 ईयर में नाइकी का है ये 380, ये 250, ये गर्ल्स का है, ये भी गर्ल का है, ये लिवाइस की जीन्स 380 रुपीज, नाइकी 380 रुपीज, ये टी शर्ट एंड शॉर्ट ये सेट है 380 रुपीज में करोला ब्रांड का, बेबी हग का ये गर्ल वाला सेट मिल जाएगा 2-3 ईयर में 380 रुपीज में, जैसा मैंने आपको इसके छोटे वाले साइज में दिखाया था। ओके, अभी वो दूसरे वाले साइज भी दिखा दो मेरे को, लो ये साइज है 4-5 ईयर। ओके, 4-5 ईयर में एक ये टॉमी की टी शर्ट मिल जाएगी और 250 रुपीज में है ये हटा दे बेटा अभिषेक, ये हटाओ पहले। नाइकी का शॉर्ट्स मिल जाएगा 380 रुपीज ओनली, ये बैक साइड में ऐसा पैटर्न है इसमें, ये फ्रंट है 380 रुपीज। रफल बट में गर्ल्स की है ये 250 रुपीज, एज में बता रहा हूँ ये 4-5 वाला एज चल रहा है, ये 100 रुपीज का है। कैल्विन क्लेन की शॉर्ट्स है ये 250 रुपीज, एक ये लाइट शेड में मिल जाएगा सेम, ये हटाओ, ये सेट है ये टी शर्ट का और ये शॉर्ट्स, ये सेट है पूरा 380 रुपीज का, ये तो आ गया, ये 100 रुपीज में है, सिर्फ 100 रुपीज जो अवेलेबल है वही दिखा रहा हूँ अभी, ऑलमोस्ट स्टॉक इसका सोल्ड आउट है, बस यही बचे हुए, ये 100 रुपीज का है, और ये नॉटिका का है, बैक प्रिंट है इस पे, ये 250 रुपीज का है। एक और एज ग्रुप था ना वो भी दिखा दो मेरे को, ये एज आ गया अपना क्या है 5-6। ओके, ये 5-6 में है, सेट है ये पूरा, वही टी शर्ट और शॉर्ट्स का 380 रुपीज का, ये 100 रुपीज में है, नाइकी 380 रुपीज, 100 रुपीज, सीके का शॉर्ट्स इसमें भी आपको मिल जाएगा, दोनों ही शेड्स मिल जाएंगे डार्क एंड लाइट, और 250 रुपीज इनका प्राइस है, ये 100 रुपीज का टी शर्ट स्पाइडरमैन, ये रफल बट की गर्ल्स की टॉप्स है 250 रुपीज, ठीक है, ये 100 वाला है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये पिंक एंड ब्लू करके ब्रांड है, नॉटिका 250, टॉमी 250, वी नेक में है ये टॉमी का, ठीक है, ये कन्वर्स का है 380 रुपीज में, ये नॉटिका 250, नॉटिका, ये 100, ये भी 100 का है, ये जी 5-6 वाला दिखा रहा हूँ सब 100 रुपीज में है, ये 380 रुपीज का है, एंड ये 250 रुपीज का है। अभी ये कौन सा है, ईएल, ओके, ये हो गया एज अपना 12-13 साल एज में, ये बैनेटन की टी शर्ट गर्ल्स की है और इसका प्राइस है 250 रुपीज, ये कन्वर्स 380 रुपीज, अब ये सारी 250 रुपीज में है बैनेटन की, ये कलर्स आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, ये हटाओ भाई। एंड ये उससे बड़ा साइज है, मतलब 13-14 साल में है ये, लेमन कलर 250, ये कन्वर्स गर्ल की टी शर्ट है 380 की, 250 बैनेटन कन्वर्स 380, ये मिल जाएंगे आपको, ये वही कलर है एंड ये वाला, ठीक है, एक ये कलर भी मिल जाएगा, ये अलग है ये वाला, ठीक है,
तो ये हो गया अपना 250 वाला, एंड ये कुछ बड़े मतलब 12 13 14 साल के बच्चे का, ये 100 रुपीज में है, सिर्फ 100 रुपीज। ये वही रिपीट है, ये एज है 14 16 14 16 ईयर में एक ये पीस मिल जाएगा 250 रुपीज में। और दिस वन ऑल्सो 14 15 साल में है, ये भी 100 रुपीज में, ये भी 14 ईयर है। और ये 12 13 साल में है, 100 रुपीज। ठीक है, तो ये 100 100 रुपीज में है। अभी आपको कुछ बॉक्सर्स दिखा देता हूँ जो अवेलेबल है हमारे पास। ये नहीं, ये वाले ये दिखाना बेटा, ये दिखा दो ऊपर वाले। ठीक है, इसमें मीडियम साइज में दिखा रहा हूँ आपको, ये मीडियम साइज बॉक्सर, ये वाला है 250 रुपीज पे, और बाकी डैमेज के ये 350 रुपीज के बॉक्सर है, मीडियम साइज में अवेलेबल है। स्क्रीनशॉट लीजिए और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए इनका, 350 रुपीज ईच। इसमें कलर ऑप्शन सभी मिल जाएंगे, ये सारी चीजें हैं, 350 रुपीज घर तक आपके पहुंचेंगी चीजें, जो भी प्राइस हमने पूरी वीडियो में बताए। और ये सारा एंड कॉस्ट होता है, ये बातें हम हर वीडियो में रिपीट इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोग हर वीडियो में, कुछ नए लोग देखते हैं वीडियो को, नए चैनल सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनको चीजें नहीं पता रहती, तो उनको ये चीजें क्लियर हो जाए कि हम लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते हैं, शिपिंग हमारी पैन इंडिया की फ्री रहती है, आपको पूरे इंडिया में मैक्स टू मैक्स 4-5 डेज, मतलब 1 वीक मान के चलिए, 1 वीक में आपके घर तक चीजें पहुंच जाती हैं। जो नियर बाय एरिया है जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, आसपास के एरिया में, तो आज ऑर्डर किया तो कल भी आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, मोस्टली मिल जाते हैं। तो ये बॉक्सर्स के हमने दिखा दिया आपको, और क्या रहेगा, और पजामे भी मिल जाएंगे आपको इसी ब्रांड के, डैमेज के। एक दो पैटर्न आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ज्यादा हो रही है इसमें। तो ये मिल जाएगा आपको 650 रुपीज, 650 रुपए में। एक ये चेक पैटर्न है, ये भी मिल जाएगा, और एक और पैटर्न था इसमें, ये ब्लैक वाला, ये साइज वाइज अवेलेबल है, आप लोग साइज की क्वेरी कर लेना, जो भी इसमें पैटर्न होगा वो मिल जाएगा। मतलब प्रॉपर समर के लिए है, 100% कॉटन फैब्रिक में, और ये फैक्ट्री सेकंड का यहाँ पे स्टैंप लगा हुआ है, दैट इज शोड कि ये सरप्लस में आया हुआ, ये स्टैंपिंग होती है। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि हर वीडियो, हर उसका अपना अपना पैटर्न होता है, अपनी अपनी कंडीशन होती है, अपने टर्म्स कंडीशन के हिसाब से काम करती है हर कंपनियाँ, कोई स्टैंपिंग करता है, कोई कुछ करता है। तो ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा हाँ, वेस्ट भी दिखा दो भाई, जो अवेलेबल है दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वांटिटी रह गई है। डैमेज के ये वेस्ट है, और यार ये इतना प्यारा लगा ना, जिसने छुआ उसने लिया, मैं तो ये बोलता हूँ, जिसने टच कर लिया उसने तो छोड़ा नहीं, ऑनलाइन तो लोगों ने लिया ही लिया। ये ग्रे कलर में है, और सॉफ्टनेस ये देखो कितना प्यारा है यार, कितना सॉफ्ट, अल्टीमेट चीज है ये। और बाम्बू वाला फैब्रिक यूज किया है, और इसमें स्पेंडेक्स है और बाम्बू है 95%। बहुत ही प्यारा पैटर्न है, और ये ना पूरा ये टेक्सचर्ड है ऐसा। तो एक ये कलर है, एक ये बेज कलर मिल जाएगा, ठीक है। ये साइज अब इसमें क्वांटिटी बहुत कम रह गई है, तो इसलिए आप लोग क्वेरी कर लेना, जिसके साइज में अवेलेबल होगा मिल जाएगा, नहीं होगा मना कर देंगे कि नहीं है। सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनको चाहिए होगा, मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने ये दिखाया था, अभी बहुत कम क्वांटिटी इसकी रह गई है, तो ये भी अवेलेबल है। ये व्हाइट कलर है, ठीक है। तो ये 2-3 कलर इसके अंदर है, बाकी इसके अलावा सॉक्स वगैरह मिल जाएंगी, और एज यूजुअल कार्गो का स्टॉक हमारे पास एवरी टाइम आपको मिलेगा। जीन्स भी मिल जाएंगी, शर्ट्स में और भी वेराइटी हैं जो इस वीडियो में हमने दिखाई नहीं है, तो वो भी अवेलेबल है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो कोशिश हमने की है वो भी आपको पसंद आया होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सरप्लस के बारे में, जो लोग एकदम अननोन है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है,
और शॉपिंग करें ना करें, एटलीस्ट आपको चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आप हमसे ले या कहीं से ले, या किसी के साथ आपकी बातचीत हो रही हो, कोई आपको गलत मैसेज दे रहा हो, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा एक मकसद था इस वीडियो में चीजों को एक्सप्लेन करने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जिस चीज में हम डील करते हैं उसके बारे में अपने कस्टमर को अवेयर करें। सिर्फ प्रोडक्ट ला करके बेच देना वो तो बहुत मतलब एक नॉर्मल सी बात हो गई कि खरीद के लाए और बेच दिया, बट चीजों के बारे में नॉलेज होना एक अपने आप में अलग चीज होती है। तो आप लोग जो चीज पहन रहे हैं, जो चीज खरीद रहे हैं, जो चीज ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये ऐसा आ रहा है, क्यों आपको सस्ता मिल रहा है। तो आई होप आप लोग सेटिस्फाई हुए हो इस वीडियो से। अगर हुए होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट में जाकर के उसको मेंशन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आया चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि यहीं से आपको अपडेट मिलती है हमारे सभी स्टॉक की। ऑलमोस्ट वीकली स्टॉक अपडेट होता है, हर सप्ताह कुछ ना कुछ आता है और निकलता है, फिर नया आता है, फिर कुछ जाता है, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। और मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।